Good evening, everyone. I'm Dr. Angela Aneja. I'm a director of obstetrics and gynae at Fortis La Farm, Greater Kailash 2. आज मैं आप सबसे एक हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में बात करने के लिए जा रही हूँ, जो एक लेडी की पूरे लाइफ में उस पर बहुत इफ़ेक्ट करती है. तो जो आज जिस टॉपिक पे आज मैं बात करूँगी, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा. आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या होता है. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो होता है, इट इफ़ेक्ट्स योर लाइफस्टाइल, इट इफ़ेक्ट्स यू टू बिकम डिफ़िकल्टी, देर इज़ इन अ प्रेगनेंसी, देर विल बी इरेगुलर पीरियड्स, और आपकी अपेयरेंस पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है. ये एक किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन है? इसमें आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, लेट आते हैं, और जब आते हैं तो बहुत हेवी भी होते हैं. कभी कभी आपके पीरियड बंद भी हो जाते हैं. और बहुत बार गर्ल्स, यंग गर्ल्स हमारे पास आती हैं कि वो कहते हैं कि उनके फेस पे बहुत ऑयली उनकी स्किन है और उनके बहुत एक्नी है, विच लीव्स अ लॉट ऑफ मार्क्स एंड इट्स वेरी पेनफुल. और कई बार देखा जाता है कि बड़े अनवांटेड हेयर ग्रोथ है. जैसे हेयर ग्रोथ बहुत हमारी नॉर्मल सटल हमारे फेस पे होती है, बट ये बड़े थिक कोर्स हेयर आने लग जाते हैं, जो चिन पे हैं, आपके साइड लॉक्स पे हैं, ब्रेस्ट पे हैं, थाइस पे, दे आर वेरी थिक एंड कोर्स हेयर. सो जिसके पीरियड इरेगुलर होते हैं या लेट आते हैं, ऑयली स्किन होती है, आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, या आप बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप प्लान नहीं कर पाते क्योंकि आपको मैं ये बोलना चाहूँगी कि उसको डिफ़िकल्टी होती है प्रेगनेंट होने में क्योंकि उसके पीरियड ही रेगुलर नहीं होते. तो ये सब चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं तो हम इसको ये केस करते हैं, कहते हैं कि इस पेशेंट को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है. ये हमारी क्लिनिकल डायग्नोसिस है. तो जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें अल्ट्रासाउंड में, हम उसका पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे पे अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें पता चलता है कि ओवरी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है और उसके अंदर बहुत छोटे छोटे फॉलिकल्स बहुत सारे बने हुए हैं. इससे और पेशेंट की हिस्ट्री से हम इसको डायग्नोसिस बनाते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. अब हम ये कहते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हमारे साथ क्या क्या कर सकता है. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से हमारी लाइफ में हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं. अगर हम एक बेबी के लिए प्लान करने जा रहे हैं तो हो सकता है हमें उसके करने में भी डिफ़िकल्टी हो. कई बार अगर हम बहुत ओबीस हैं तो मिसकैरेजेस भी हो जाते हैं. प्रेगनेंसी के अंदर चांसेस ऑफ ब्लड प्रेशर भी बहुत बढ़ जाता है और पेशेंट को डायबिटीज़ होने के चांसेस भी प्रेगनेंसी में होते हैं. ऐसे पेशेंट्स को बहुत बार एंग्जाइटी, डिप्रेशन के बारे में भी होता है और जैसे मैंने आपको बोला कि उनके अपेयरेंस में भी फ़र्क पड़ता है बिकॉज ऑफ द एक्ने और अनचाहे हेयर ग्रोथ के कारण. अब और क्या देखा गया है कि इन पेशेंट्स को रात को सोने में भी बहुत तकलीफ़ होती है. जैसे वो कहती हैं कि वो नहीं सो पाती या उनको नींद नहीं आती या वो जल्दी उठ जाते हैं या उनको बहुत स्नोर करते हैं. वो स्नोरिंग भी ओबेसिटी के कारण होती है. जैसे जैसे साइंस एडवांस होती जा रही है हमें पीसीओडी के साइड इफ़ेक्ट्स और पता चल जाते हैं. अब बहुत ये पूछा जाता है, ये मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरी क्यों हुई? अब ये क्यों हुई इसका तो एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता कि क्यों हुआ, बट दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इसके बारे में मानी जाती हैं. आपने सुना होगा कि इंसुलिन एक हार्मोन है और एक टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है, इन दोनों के इम्बैलेंस से हमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जाती हैं. इससे क्या होता है, वेट गेन हो जाता है और आपके मेल हार्मोन्स होने के कारण आपके चेहरे पर अनचाहे बाल, एक्ने और हेयर लॉस बहुत शुरू हो जाता है. आपका वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है और आपके पीरियड भी इरेगुलर हो जाते हैं. तो इन सब के लिए हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज ये हमारे लाइफस्टाइल पे बहुत इफ़ेक्ट करती है. हम चाहे हम यंग एज के अंदर हों, चाहे हम मध्यम वर्ग के प्राणी हों, चाहे हम लेट एज की महिलाएं हों, इन सब पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन के हार्मोनल इम्बैलेंस का बहुत ही इफ़ेक्ट होता है. अब जैसे यंग एज के अंदर क्या होता है, पीरियड का जैसे मैंने समझाया इरेगुलर हो जाना, वेट बढ़ जाना और अनचाहे बालों का हो जाना, हेयर लॉस, ये सब एक यंग गर्ल्स को बहुत इफ़ेक्ट करता है. और मध्यम वर्ग की जो लेडीज़ हैं, जिसको जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हैं, उनके लिए पीरियड्स भी लेट हो जाना और बच्चा ना होने की वजह भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज बनती हैं. अब लेट इफ़ेक्ट्स जो 40 प्लस की एज ग्रुप्स पे, अगर आपने पॉलीसिस्टिक ओवरीज को ट्रीट नहीं किया तो इसकी भी बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं. अब वो कैसे हो सकती हैं,
आपको बहुत रिस्क है बिकॉज ऑफ इंसुलिन हार्मोन की, जैसे आपने सुना है ये हार्मोन है, ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाने से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर्स बढ़ जाती हैं, और उसको और करने के लिए हमारे उसको और मेटाबलाइज करने के लिए हमारी बॉडी और इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, इसलिए हमारा वेट भी पुट ऑन हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से हमारी ब्लड शुगर भी बढ़ने लगती है। तो ऐसी महिलाएं जो पॉलीसिस्टिक हैं और जो ओबीस हैं, जिनका बीएमआई 30 से ज़्यादा है, तो इनको चांसेस ऑफ डायबिटीज़ हो जाते हैं। तो ऐसे लेडीज़ जो 40 के बाद होती हैं, हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप हर साल अपना ब्लड शुगर चेक कराइए। इसको हम ओरल GTT कहते हैं। उसमें आप फास्टिंग चेक करते हैं, फिर 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के 2 घंटे के बाद आपका ब्लड शुगर चेक किया जाता है। हम उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी कैसे करते हैं, वो करते हैं। और लेटर हाफ ऑफ द एज ग्रुप के अंदर चांसेस ऑफ ब्लड प्रेशर, जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, उनके चांसेस ब्लड प्रेशर के भी बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ जाना, तो आपको हार्ट रिस्क, हार्ट डिजीज़ का और हार्ट अटैक का आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। अब हमने आपको बोला कि ऐसे लेडीज़ को इनरेगुलर पीरियड्स आते हैं, लेट लेट आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि साल में 4 बार, कम से कम 4 बार एक महिला को पीरियड आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको 3 से 4 महीने तक कोई पीरियड नहीं आए, तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंटेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनचाही यूट्रस की लाइनिंग बढ़ती जाती है, और अगर हम इसको ट्रीट नहीं करें तो ये अल्टीमेटली आपके प्री कैंसरस और कैंसर का, आपके यूट्रस की लाइनिंग का बना देती है। तो आपके डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ऐसे क्यों हो रहा है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ओरल प्रोजेस्टोजेंस भी देंगे, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जा सकती हैं, या आपको कोई कॉइल, जैसे बरीना करके एक हार्मोन कॉइल होती है, वो भी दी जा सकती है। और इससे पॉलीसिस्टिक के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे मैंने आपको अभी बताया, डायबिटीज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, कैंसर के चांसेस हो सकते हैं, आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, तो और इससे आपके साइकोलॉजिकल और मेंटल इफेक्ट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और ऐसा देखा गया है कि ऐसी महिलाओं को एंग्जाइटी और डिप्रेशन के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, अब हम इसको कैसे सुधारेंगे, हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे कर पाएंगे, क्या कोई नेचुरल थेरेपीज़ हैं जिससे हम ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज की, आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट की मैजिक वॉन्ड, जादू की छड़ी क्या है, सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना। वो हम कैसे करते हैं? अगर हम रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब 30 मिनट, 30 मिनट हम हफ्ते में 5 दिन करें, मॉडरेट इंटेंसिटी हम एक्सरसाइजेस करें, और जिसमें से 2 दिन हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें या वेट ट्रेनिंग साथ में करें, तो ये बहुत अच्छी तरह से आपको वेट लॉस करने में हेल्प करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी एक्सरसाइज है। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है डाइट की, ठीक है? अब हम डाइट के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगी, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू टेक अ न्यूट्रिशनल हेल्दी डाइट। हमारी डाइट के अंदर, जैसे इन महिलाओं को पीरियड लेट आते हैं, जब अगर आते हैं तो बहुत हैवी भी आ जाते हैं, इनमें आयरन डिफिशेंसी होती है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके खाने के अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ऐसा सेवन करिए जिसके अंदर आयरन की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे मेथी, पालक, बथुआ, साग और बनाना, एप्पल। फ्रूट तो आप कोई भी खा सकते हैं, और उसके साथ में आप ये देखिए कि एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत होने चाहिए। वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो हमें सीड से मिलते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स है, चिया सीड्स हैं। आप जिन चीज पदार्थों से आपको जो जिससे मोटापा बढ़ता है, जैसे ज़्यादा शुगर लेना, मैदा खाना, पोटैटो लेना, स्वीट पोटैटो लेना, और जिससे आपका ग्लाइसेमिक, ये सारे पदार्थ ऐसे हैं कि जिससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका ज़्यादा होता है, तो वो पदार्थ नहीं खाने चाहिए। अगर आप एग खाती हैं तो आपको एग वाइट ले सकते हैं, आपको लीन मीट खा सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, फिश भी, लेकिन हर चीज़ एक मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा खाने से भी बहुत तकलीफ़ होती है, एक तो इंडाइजेशन भी होती है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्या आपको और नहीं खाना है? प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, कोई भी चीज़, चाहे आपका, चाहे वो चीज़ हो, चाहे आपका
जूसेस हो, पैक जूसेस हो, ये सब आपको नहीं खाना है। हाई प्रोटीन डाइट लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, और आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, फ्रूट्स लें, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छा करती हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो महिलाएं स्मोक करती हैं उनके अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस ज़्यादा होते हैं, उनको भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको भी पॉलीसिस्टिक ओवरी है दे शुड क्विट स्मोकिंग एंड दे शुड टेक अल्कोहल इन ए मॉडरेट अमाउंट, दे हैव टू डिक्रीज इट। एंड कैफीन, कैफीन एक और ऐसी चीज़ है जो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। सो यू शुड अवॉइड टी, यू शुड अवॉइड कॉफ़ी। सो अगर मैं इन सब चीज़ों को समराइज़ करके आपको बताऊं कि आपको क्या हेल्दी लाइफस्टाइल है, वो है आपका रेगुलर एक्सरसाइज करना 30 मिनट कम से कम 5 दिन एक हफ्ते में, अपनी डाइट के अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और सीड्स का ज़्यादा सेवन करना, प्रोसेस्ड फूड, पोटैटो, डेजर्ट्स, मीठा कुछ और हो, या एक्सेसिव सॉल्ट अवॉइड करना चाहिए, कैफीन अवॉइड करने चाहिए और स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए। इन सब चीज़ों से हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी हद तक करेक्ट होता है। जहाँ पर डॉक्टर्स को ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे वो आपको हेल्प करते हैं। अगर आपके रेगुलर पीरियड नहीं आते हैं तो वो आपको इसको रेगुलर पीरियड कराने के लिए आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं या दूसरे हार्मोन भी दे सकते हैं। बहुत बड़ा मिथ है सबके अंदर कि अगर हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेंगे तो हमारे को फर्टिलिटी यानी कि बच्चा होने में तकलीफ़ होगी, ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है। जब हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाता है तो हमारी प्रेगनेंसी होने में भी बहुत आसानी हो जाती है। हम आपको एक ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से, आपके पीरियड ठीक आएंगे, आपके चेहरे पे जो एक्नी है और जो हेयर ग्रोथ है वो भी पहले से कम हो जाएगी। तो ये मल्टी पर्पस की तरह आपको इफ़ेक्ट होता है। और जो हमारे बॉडी के अंदर मेल हार्मोन बढ़ जाता है जिसके कारण आपको एक्नी होती है, हेयर ग्रोथ होता है, हेयर लॉस होता है, वो भी आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कम करती हैं। बट अगर इसको खाने के बाद आपको 3 से 4 महीने में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसके साथ में एक और ड्रग ऐड करी जाती है जिससे हमारे को हमारी हेयर ग्रोथ वगैरह पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अब बात आती है हमारा वेट, हमने इन सबसे अगर हमारा वेट बहुत बढ़ जाता है तो हमें कई बार अपने वेट कंट्रोल करने के लिए भी हमें दवाइयाँ दी जाती हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है। बट ये सब चीज़ों को यहाँ पर हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि ये आपको प्रिस्क्रिप्शन पे दवाइयाँ मिलती हैं। इसलिए आपको जो भी लेडी, कोई बच्चा, यंग एज का बच्चा हो, चाहे वो 20 साल का हो, चाहे वो 25 साल की लेडी हो, चाहे 40 साल की हो, अगर किसी के भी पीरियड इररेगुलर आ रहे हों या एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो या बहुत एक्ने है कि जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से भी ट्रीट नहीं हो रही, आपको रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं या आपके का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आप कितना मर्जी कोशिश कर रहे हैं और आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, तो आपको अपने एक बार अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये अनडायग्नोस्ड पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं जिसकी ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से 75% लोग वैसे ही ठीक हो जाते हैं। अगर आपने अपना वेट 10% कम कर लिया, अगर आप 100 किलो की हैं, अगर आपने अपना वज़न 90 किलो कर लिया, 10 किलो कम कर लिया, तो आपकी 20 to 25% प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व होगी। जैसे फैट कम होता है, आपकी फैट में मेल हार्मोन बनने कम हो जाते हैं, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो जाता है, तो आपके पीरियड ठीक आने लग जाते हैं। आपने एक बार अच्छी तरह से अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लिया तो आप उसी से ही बेटर हो जाएंगे। तो मेरी आप सबको एक यही सलाह है कि जिसको ये तकलीफ़ है, प्लीज़ जो मैंने आपको एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताया है वो स्टार्ट करें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें, और अगर किसी को किसी भी चीज़ की थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको ले। क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारियों का मिलकर एक मिश्रण है जो आपको यंग एज में नहीं, अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये आपको ओल्ड एज में भी परेशान करेगी। आपको ब्लड प्रेशर करके, हार्ट डिजीज़ करके, डिप्रेशन करा के या डायबिटीज़ करके या कैंसर के आपके अंदर रिस्क बढ़ जाता है। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप इसको ठीक करें। और जो बहुत
आसान तरीकों से ठीक हो जाती है। कई बार हमारे पास यंग गर्ल्स आती हैं या उनकी मदर आती हैं, एंग्जाइटी होती है, तो वो कहते हैं कि देखो इसकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, आप इसका ऑपरेशन करके इसकी सिस्ट निकाल दीजिए। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इसकी ट्रीटमेंट सर्जरी नहीं है, इसकी आप सर्जरी नहीं कराइए। ये छोटी 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 जो सिस्ट बन जाती हैं, ये एक ओवरी के अंडे हैं और ये फूट नहीं रहे तभी आपको पीरियड रेगुलर नहीं आ रहे हैं। अगर हम इन एक एक अंडे को जला आएंगे, सिस्ट को निकाल आएंगे, तो आपको जल्दी मीनोपॉज आ जाएगा, आपकी ओवरीज ख़राब हो जाएंगी। हमें इसका ट्रीटमेंट करना, जैसे जो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, हमारे पास तरीका है उसको हेल्प करने का, उसको दवाई देकर उसकी हम हेल्प करते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए और वो प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं। इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ अपना ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप अगर अपना वेट रिड्यूस करेंगे तो आई विल से आपकी 70% प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो गई। मैं आप सबसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपसे इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, ताकि अब हम अगले 10 मिनट में आपके उन क्वेश्चंस एंड आंसर्स का ज़रूर जवाब देंगे। एक लेडी का क्वेश्चन आया है कि मुझे पिछले 6 महीने से पीरियड नहीं आए क्योंकि मुझे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, मुझे क्या करना चाहिए। पूजा, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मैंने अभी आपको ये बताया है कि अगर आपको 6 मंथ से पीरियड नहीं आया, आई विल से अ गर्ल हु डजंट हैव ए पीरियड फॉर 3 to 4 मंथ, ही शुड मीट अ गायनेकोलॉजिस्ट। वी विल इन्वेस्टिगेट यू, वी विल डू अ टेस्ट ऑन यू, वी विल टेल यू, प्लीज़ एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो मैंने आपको अभी समझाई है। कुछ बेसिक टेस्ट करा के आपको दवाई पे डाला जाएगा, और अगर ये पॉलिसिस्टिक ओवरीज ही है एक रीज़न आपका पीरियड ना आने का, तो हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आंचल शर्मा का है। आंचल डिड नॉट गेट हर पीरियड्स फॉर 6 मंथ सिंस हर डिलीवरी, व्हाट डू यू सजेस्ट? आंचल, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपका 6 महीने पहले ही आपकी डिलीवरी हुई है और आप अपने बच्चे को फीड करा रही हैं, तो कई बार बहुत सारी महिलाओं को पीरियड नहीं आते हैं, उनको पीरियड कई बार एक एक दो दो साल तक भी नहीं आते जब तक वो अपने बच्चे को फीड कराती हैं। बट हाँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये देखनी होती है कि अगर आपको अपनी डिलीवरी से पहले आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज थी और आपने बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया है वेट अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपको भी अभी से रेगुलर एक्सरसाइजेस कर देनी चाहिए, अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए, मीठा और ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो फूड होते हैं उनको और एक्सेसिव सॉल्ट को भी कंट्रोल करना चाहिए। आपको पीरियड आ जाएंगे अगर आपकी हर चीज़ कंट्रोल में है। ब्रेस्ट फीडिंग जैसे ही जब हम कराते हैं तो हमारा ओवुलेशन सुप्रेस हो जाती है, इसी के कारण हमें पीरियड नहीं आते हैं। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द पूजा है। पूजा वॉन्ट्स टू नो टिप्स टू रेगुलेट पीरियड। पूजा, जैसे मैंने आपको अभी समझाया है कि आपको अपनी रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है, स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल भी कम मात्रा में लेना है, अवॉइड टी एंड कॉफ़ी और रेगुलर एक्सरसाइजेस करिए, बट अगर इसके बावजूद भी आप ठीक नहीं है, तो आपकी एक बार प्रॉपर हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी दी जा सकती हैं आपको पीरियड रेगुलेट करने के लिए। नहीं तो कुछ हॉर्मोन्स होते हैं हम जो महीने के लास्ट के हफ्ते या 10 दिन में देकर भी आपको पीरियड दिला सकते हैं। कई बार इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए भी हमारे पास दवाइयाँ होती हैं, लेकिन वो आपकी पूरी अपेयरेंस को देख कर आपकी मेन क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से हम वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट टू डू इन केस ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स। देखिए, पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के बहुत रीजंस होते हैं। एक तो ये रीज़न है कि आपको रेगुलर पीरियड्स नहीं आ रहे, तीन तीन चार चार महीने में आ रहे हैं, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। कि उससे क्या होता है कि आपके जो लाइनिंग है वो बहुत थिक हो जाती है, जब वो ब्लीड करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ब्लीड करने लग जाते हो। तो उसका ट्रीटमेंट तो बहुत आसान है, हमारे पास हीमोस्टेटिक ड्रग्स हैं, हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, हमारे पास प्रोजेस्टोजेंस हैं, या हम मरीना कॉइल लगा के आपकी एक्सेसिव पीरियड को रोक सकते हैं। बट अगर पीरियड्स के दूसरे का एक्सेसिव पीरियड आने का दूसरा रीज़न है कि कोई फाइब्रॉयड है, कोई पॉलिप है, या यूट्रस की वॉल बहुत ज़्यादा थिक हुई हुई है जिसको हम एडिनोमायोसिस बोलते हैं, उन सब की ट्रीटमेंट अलग है। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपका एक्सेसिव पीरियड आने का रीज़न क्या है।
या आप कुछ ऐसी ड्रग्स ले रही हैं कि जैसे आप क्या कहते हैं कि ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, जैसे एस्पिरिन है और कोई और भी दवाइयाँ होती हैं, अगर आप उनके ऊपर हो, अगर आपको एक्सेसिव पीरियड्स उसमें उसके कारण हो रहे हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है। लेकिन ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत लोग अपने आप को बहुत देर तक इग्नोर करते रहते हैं कि उनको ज़्यादा पीरियड आते हैं। जब तक वो हमारे पास आते हैं तो उनकी हीमोग्लोबिन बहुत कम हो चुका होता है। तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर मिलिए। वो आपको सबसे पहले एडवाइस करेंगे कुछ लिस्ट ऑफ ब्लड टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड, फिर आपका रीज़न आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आपको पीरियड क्यों आते हैं, उसी हिसाब से आपको ट्रीट किया जाएगा। थैंक यू। एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है रितु कपूर, हाउ टू टैकल वेट गेन ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। रितु, मैंने अभी ही तो एक्सप्लेन किया है कि किस तरह की एक्सरसाइजेस करना चाहिए, किस तरह का खाना खाना चाहिए। इसके साथ कई बार हम इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हमारा बढ़ चुका है उसको लोअर करने के लिए भी हमारे पास दवाइयाँ होती हैं, हम उसको भी डालते हैं। बट एक्सरसाइज इज़ अ मैजिक वॉन्ड फॉर इट। इफ़ यू डू एन एक्सरसाइज, टेक योर डाइट अलॉन्ग विद द मेडिकेशंस विच इम्प्रूव्स द इंसुलिन रेजिस्टेंस, यू डेफिनेटली रिड्यूस योर वेट। कई बार जिन जिन महिलाओं का BMI 30 से ऊपर होता है, हमको उनको भी वेट रिडक्शन करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, बट उनको हम एक अंडर सुपरविजन के अंदर ही दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिसको भी ये तकलीफ़ है वो अपने अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, ज़रूर मिलें। आप देखिए, किसी कोई कहता है हमारे पास कि हमारी हेयर ग्रोथ बहुत है, अगर हमने आपको एक दवाई देते हैं जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, उसके आपके पीरियड भी रेगुलर होते हैं, उसके बाद आपका हेयर ग्रोथ भी होता है। हेयर ग्रोथ से कैसे पता चलता है कि आप पे इफेक्ट हो रहा है? कि दे आर बिकमिंग, इफ़ दे आर वेरी थिक एंड डार्क, सो स्लोली दे बिकम वेरी थिन। अगर आप कोई वैक्सिंग करा रहे हैं या ब्लीच करा रहे हैं, तो अगर 15 15 दिन में जाते, तो हो सकता है अब आप 3 हफ्ते में जाएं या 4 हफ्ते में जाएं। अगर इन दवाइयों से फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम जो मेल हार्मोन को कम करने की दवाइयाँ रहती हैं वो भी देते हैं, और ये बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। इसके साथ अगर आप अपना लेज़र कराएं, इलेक्ट्रोलिसिस कराएं, या आप अपनी ब्लीचिंग कराएं, तो आपका बहुत इफ़ेक्ट होता है। बट ये बहुत ज़रूरी है कि ये एक लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है। नाउ आई वुड लाइक टू टेल, दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग डिजीज़ एंड देर इज़ नो परमानेंट क्योर फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। द ओनली थिंग विच कैन प्रिवेंट इज इफ़ यू डू रेगुलर एक्सरसाइजेस, टेक अ बैलेंस डाइट, अवॉइड टी कॉफ़ी स्मोकिंग एंड टेक योर अल्कोहल इन मिनिमम अमाउंट, यू कैन सुप्रेस इट। सो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, देर इज़ नो नीड टू लूज हार्ट ऑफ इट, दिस इज नॉट समथिंग विच कैन नॉट बी ट्रीटेड, बट यू कांट बी ऑन ड्रग्स लाइफ लॉन्ग। ओके, सो इफ़ यू फॉलो अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, यू विल स्टे अवे फ्रॉम द ऑल द बैड इफेक्ट्स ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सो इन द एंड आई विल लाइक टू टेल ऑल माई व्यूअर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम इरेगुलर और डिलेड पीरियड्स, मतलब अगर आपके पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं, या 3 3 4 4 महीनों में आ रहे हैं, या साल में कम से कम आपको 4 से भी कम पीरियड आते हैं, और या बहुत पेनफुल पीरियड आते हैं तो बहुत हैवी होते हैं, या आपकी एक्ने नहीं ठीक हो रही है, आपके चेहरे पर अनचाहे बाल हैं जो बहुत थिक हैं, आपका हेयर फॉल हो रहा है, यहाँ से बाल की बैल हेयर लाइन पीछे रिसीड कर रही है, या आपको प्रेगनेंसी होने में तकलीफ़ हो रही है, आपको बहुत एंग्जाइटी डिप्रेशन है, तो आप ज़रूर आके मिलिए ताकि हम आपको एक अच्छी तरह से बैठकर कुछ टेस्ट कराकर आपको अच्छी तरह से मॉडिफाई करके आपकी डाइट बता सकें, आपको टिप्स दे सकें और आपकी ट्रीटमेंट कर सकें, जो इतनी बड़ी बात नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। सो एनीथिंग, इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग एल्स, यू नो, सो यू कैन राइट इट डाउन इन अ कमेंट बॉक्स एंड मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। और कुछ और आप पता करना चाहते हैं तो आप अपने क्वेश्चंस फिर भी भेज सकते हैं। सो इन द एंड आई विल लाइक टू कंक्लूड द सेशन हेयर बाय सेइंग थैंक यू फॉर एवरीवन टू बी हेयर एंड सेंडिंग योर क्वेश्चंस हेयर। होप दिस सेशन इज़ बीइंग यूजफुल टू यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर
many more sessions from Hello Swasthya. And thank you, Hello Swasthya, for having me over here. Thank you so much.